ये रहा स्वर्ग का रास्ता, वसुंधरा वाटरफॉल। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ माना विलेज, भारत का प्रथम गांव या फिर लास्ट गांव भी बोल सकते हो। और मेरे साथ है कुछ यूपी के भाई मिले हैं मेरठ से, तो हर हर महादेव। और यहां से मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ माना विलेज, जो कि इंडिया और भारत का लास्ट बोलते हैं। और दोस्तों इस विलेज में बहुत सी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं देखने को। आप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो उन तक का जरूर शेयर करें जो केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और या फिर चार धाम यात्रा करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो मेरे सामने नर और नारायण पर्वत हैं। तो कहते हैं भविष्य में जब बद्री विशाल जी के दर्शन बंद हो जाएंगे, वो क्यों होंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान का मंदिर है जोशीमठ में। अगर जिस दिन कहते हैं कि उनका हाथ एक गल जाएगा तो ये नर और नारायण मिल जाएंगे और ये भविष्य, ये जो बद्री विशाल जी के दर्शन है वो बंद हो जाएंगे और भविष्य में भविष्य बद्री विशाल पूजे जाएंगे। तो और भी मोर अपडेट दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। और इसमें आपको आपका पाप लेवल भी दिखाऊंगा कहाँ पे पानी आता है। कहते हैं पानी हर किसी में नहीं पड़ता, उस झरने का पानी, उसका नाम है वसुंधरा वाटरफॉल। अगर आपको पाप चेक करना हो तो वहाँ पे जरूर जाएं। मैं भी जा रहा हूँ चेक करने और आपको दिखाऊंगा कैसे जाना है, वीडियो पे बने रहो बस। तो भैया हमने अपना देसी अनाज ले रखा है, ये देखो खाने के लिए, और चना है, लाठी अपना ले लिया, पानी ले लिया। हर हर महादेव। तो अभी देखो हम 10-12 लोग हो गए हैं और तिरंगे के साथ जा रहे हैं माना विलेज घूमने के लिए। भैया यूपी वाले हैं तो देख लो कहीं कसर नहीं छोड़ते, चार लोग जा रहे हैं। और एक चीज और, ये देखो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर हमारे यहाँ यू ही नहीं फेमस है भाई, चार लोग हैं कहीं भी ठोक के आ जाते हैं। इसलिए प्राउड ऑफ यूपी फॉर स्प्लेंडर। तो भाई हम आ चुके हैं माना विलेज और यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। तो आप भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दो और हमने भी कर दिया है। तो यहाँ पे आपको रेट पूछ लेते हैं कितना रुपए चार्ज करते हैं यहाँ पे पार्किंग का। 200 रुपए, 20 रुपए पार्किंग बाइक का 20 रुपए पार्किंग ले रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर गाड़ी का लेंगे फोर व्हीलर का तो 50 रुपए लेंगे। तो ये देखो भाई, और यहाँ पे माना एडवेंचर पार्क है, तो एडवेंचर करना चाहते हो तो आप जरूर आना यहाँ पे। ये देखो भैया कह रहे हैं हमको भी ले लो। भैया ये गाइड है, अगर आप यहाँ पे गाइड करना चाहते हो तो ये 500 रुपए चार्ज करते हैं गाइड का। तो अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो गाइड, अगर यहाँ की हिस्ट्री जानना है तो, मतलब यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है माना विलेज में। और यहाँ ये है मेन मुख्य गेट, तो ये देख सकते हो हम एंटर हो चुके हैं। कर्नाटका से आए भाई साहब घूमने के लिए, माता की जय। और हम एंटर कर चुके हैं माना विलेज, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मार्केट वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि ये हाथ से बनी हुई चीजें बेचते हैं, गर्म कपड़े वगैरह। अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर आना। दादा, ओ दादा, ये पिट्ठू पालकी का कितना चार्ज करते हो? आने जाने का मतलब? अच्छा, तो भैया अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो पालकी कर लो, 1500 रुपए जो भी आपका है दे सकते हो, तो इनका भी भला हो जाएगा और थोड़ा सा आपको भी कुछ जानने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो भाई कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आप घूम सकते हो। तो भैया अगर माना विलेज घूमना चाहते हो हेलीकॉप्टर से, तो देखो ऐसे घूम सकते हो जैसे ये भाई साहब घूम रहा है। तो ये देखो हेलीकॉप्टर बाइक माना विलेज के लिए घूमने के लिए। माना विलेज की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 10,133.5 फीट ऊंचा है माना विलेज समुद्र तल से। ये देखो भाई पुराने घर, 100 साल पुराने घर है ये, जब हमारे बाबा दादा पूर्वज लोग रहते थे ऐसे घर में रहते थे। यहाँ के जो घर की पेंटिंग है, आकृति है, देख सकते हो हर एक घर की अलग है, जैसे इस घर की अलग है, इस घर की अलग है, इस घर में अलग है, मतलब हर एक चीज़ की, मतलब हर एक घर में एक नई पेंटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, वो भी भगवान की। तो ये देखो भैया आपके नाश्ता के लिए
पत्थरों में बना के रखा है, दही जलेबी वगैरह जो भी है। तो आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है सरस्वती नदी जो कि माणा विलेज से निकलती है। दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि यहीं पे आपको देखने को मिलता सरस्वती नदी, और सामने मंदिर भी देखने को मिलता, और इनकी गोद से पवित्र जल आता है जो कि यहाँ से लोग लेके जाते। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से ज़रूर लेके जाना। ये एक ऐसी नदी है जो कि माणा विलेज में दिखाई देती हैं और इसके बाद यहीं से वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों ये वही विशालकाय पत्थर है जो कि पांडवों ने स्वर्ग जाते टाइम इसे क्रॉस करके गए थे, नदी को क्रॉस करके गए थे। तो ये भीम पुल के नाम से जाना जाता है, और इसको अगर आप सही से आप देखोगे ना तो भीम भैया के हाथ के निशान भी दिख जाएंगे आपको, और सरस्वती माता जो कि आपको दिखाई दिया है, और ये रास्ता जाता है स्वर्ग के लिए। तो इस पुल नदी को क्रॉस करके स्वर्ग के लिए गए थे पांडव। हमारी चाय आ चुकी है भाई लोग, चाय इंजॉय करते हुए। चाय के साथ क्या है, चखना? हमारा ये रहा चखना, इसके साथ चाय इंजॉय हो रही। हाँ भैया, हम स्वर्ग के रास्ते जा रहे हैं। ये है स्वर्ग का रास्ता जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग के लिए, और हम भी जा रहे हैं स्वर्ग के लिए। भैया साइड दे दो, हमें स्वर्ग जाना है। चल 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 चल। तो भैया ये है भारत की पहली दुकान, देख सकते हो भारत की पहली चाय की दुकान। और अब इधर हम जा रहे हैं वसुंधरा वाटरफॉल। अगर आप स्वर्ग के रास्ते आ रहे हो तो मेन जरूरी है पानी, क्योंकि इस रास्ते में आपको कोई दुकान वगैरह नहीं मिलेगी, झरने तो मिल जाएंगे पर आगे दूर दूर, तो एक पानी की बोतल जरूर साथ में लेके आना, और आराम से आना क्योंकि सांस फूलेगी यहाँ पे, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना कि आप यहीं पे बेहोश हो जाओ। बाकी हम जा रहे हैं इधर स्वर्ग के रास्ते। वाटरफॉल की चढ़ाई आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि एक बोतल पानी ज़रूरी है, अगर आपकी सांस फूल रही है तो कपूर वगैरह आप ज़रूर रखें। और ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। दोस्तों 2023 में बर्फ़ वगैरह नहीं थी, पर 2024 में आपको ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ छोटे छोटे ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार से। और टूरिज्म भी इस बार कुछ उत्तराखंड में ज़्यादा ही आ रखा है, अनलिमिटेड है भाई। तो यहाँ पे जो भी आ रहा हो प्लीज़ साफ़ सफाई पर ध्यान दो, और गंदगी ना मत फैलाओ, हमारी प्रकृति को नष्ट मत करो, वरना जब नष्ट कर दोगे तो घूमने लायक कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, जो भी चीज़ आप साथ में ला रहे हो उसको रिटर्न भी लेके जाओ। और एक छोटा सा ग्लेशियर हमको वो दिखाई देता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देख सकते हो आप, एकदम कच्चा रास्ता और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, बड़े पत्थर भी हैं, तो आपको ऐसे रास्ता से होके जाना होता है। और आपको पता है यहाँ के जो जानवर होते हैं ये पहाड़ वाली घास खाते हैं, नीचे वाली घास छूते भी नहीं हैं, तो ये वाली घास खाते हैं जानवर, देख लो। या आज से और अभी से ये माणा गाँव की पहली दुकान हो चुकी है, और हम पहली दुकान की चाय पी रहे हैं और चने के साथ। तो पहाड़ों में गर्मा गर्म चाय के साथ स्वागत हो रहा है। अरे बता दे भाई, बिस्कुट है। पहाड़ों में ऐसे पाइप मिल जाते हैं जो कि 100% नेचुरल होता पानी, तो ऐसे पानी आप पी सकते हैं, और आपको ही यही पानी मिलेगा पीने के लिए, बाकी आपको दूर दूर तक कोई नल वगैरह नहीं दिखेगा। तो ये पानी आप जरूर पिए, काफी अच्छा होता है और टेस्टी होता है। लगी है तो मैं पानी पीने जा रहा हूँ जो कि 100% नेचुरल वाटर होता है। पूरी प्यास बुझ गई यार, काफी मजा आ गया, और हार्टबीट जो थी बढ़ रही थी खत्म हो गई यार, फुल एनर्जी मिल गई, फिर से चलते हैं। ये देखो भाई आर्मी वालों का हेलीपैड बेस कैंप है,
आर्मी वालों का, जो कि एक ही बना है। और भाई यहाँ स्वर्ग के रास्ते जा रहे हैं ना, तो भाई स्वर्ग का रास्ता इतना अच्छा है कि मंजिल पाने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस ऐसे रास्तों में सफ़र करते रहो ये मन कर रहा। ये देखो तो भाई ये पीछे वाली जो चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ ना, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई मेरे साथ कपूर लेके चल रहा है, जबकि कोई मेरे साथ नहीं चल रहा। और ये सुगंध सूंघने के बाद काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे हमारी एनर्जी पहुँच जाती है। तो वाटरफॉल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वो छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि आगे जाके दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस, कड़ी मेहनत के बाद, हमारी 2-3 घंटे की मेहनत के बाद हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, वसुंधरा वाटरफॉल पे। तो आप देख सकते हो, और चलो फिर यहाँ पे खड़े होकर इंतजार क्या कर रहे हैं, चलो फिर अंदर चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखाते हैं लेवल क्या है, पाप पुण्य का हमारा क्या लेवल है। तो माना जाता है जब रास्ते में पांडव भटक गए थे तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको गाइड किया था, और ये वही वाटरफॉल है वसुंधरा वाटरफॉल, जिसपे पापियों के ऊपर पानी नहीं गिरता है, और जो सच्चे मन से आते हैं या फिर सच्ची श्रद्धा होती और जिसका मन सच्चा होता है उन्हीं के ऊपर पानी गिरता है, मतलब जिनके ऊपर पाप नहीं होता तो उनके ऊपर पानी गिरता है। और यहीं से पांडव नहा करके स्वर्ग के रास्ते गए थे, और काफ़ी पवित्र पानी है। आइए चलते हैं, हम भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं इस पवित्र पानी का, और आगे जाके आपको दिखाते हैं। तो भाई हम एक प्रकार से गीले हो गए, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे पहुंच चुके। अब ये दृश्य देख सकते हो, एकदम ये गहरा हुआ खट, ये बर्फ का भी इस पे ज्यादा रुकना नहीं है। और ये देखो ये पानी यहाँ जाता है, कितना नीचे गहरा है, और ये देख सकते हो ये पानी कैसे आ रहा। तो ये कहते हैं भगवान विष्णु के चरणों से आता पानी ये। ये देखो दोस्तों, हमारे ऊपर पानी गिर रहा, आप देख सकते हो मेरा कैमरा भी गीला हो चुका और मैं भी गीला हो चुका हूँ, और मेरे पीछे का नज़ारा देखो। और कहते हैं भाई रेनबो उसी को दिखता है जो लकी बंदा होता है, अगर आपको रेनबो दिखे मेरी वीडियो में तो आप समझ जाना आप लकी हो, और कमेंट करके बताना किसको किसको दिखा है। तो ये देखो दोस्तों, और हम भी पवित्र हो चुके हैं, एक प्रकार से स्वर्ग आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे देखो कि आप भी आ सकते हो, अगर आप आ रहे हो तो ये वीडियो उन तक का शेयर कर देना जो बद्रीनाथ धाम वगैरह आ रहे हैं। और ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा, और देखो नीचे कितने भयानक गहरी खाई है। दादा आप कहाँ से आए हो? मुरैना से, एमपी से। जय श्री महाकाल। और वो पैर की तरफ। और भाई साहब ये देखिए, इन्होंने असली जिंदगी का मजा लिया है बुढ़ापे में, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोगों से हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप हमारे असली मोटिवेशन आप ही हो। और ये देखो भाई असली जिंदगी बिना कैमरे की चल रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो दादा आपका नाम क्या हुआ? और दादी आपका नाम बताओ? गोदावरी। तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और ये देख लो, अब जाओ वहाँ पे थोड़ा सा देखो अपना पाप लेवल क्या है देखा है? और ये देख लो भाई, और ये देख लो भाई, इनको कुछ पता नहीं है, नंगे पैर घूम रहे हैं। तो भाई भगवान इन पर कृपा करे, हर हर महादेव दावा। तो दोस्तों काफ़ी आनंद रहा और काफ़ी एंजॉयमेंट रहा, और हमारे ऊपर भी पानी पड़ा तो आपने देखा होगा वीडियो पे, और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोग प्रकृति के साथ मजाक भी कर रहे हैं। तो यार मेरा एक ही मैसेज होता है कि आप मजाक मत करो, वरना आपके साथ प्रकृति मजाक करेगी तो फिर आप बोलने देखने लायक नहीं रहोगे।
तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। और ये वाटरफॉल है, काफी ऊंचे से आता है। वही वाटरफॉल है जहाँ से पांडव इससे नहा करके स्वर्ग के रास्ते गए थे। और ये वाटरफॉल का पानी कहाँ से आता आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया और ना ही लगा पाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये वैकुंठ धाम से वाटरफॉल का पानी आता है। तो अगर आप या आपका कोई साथी यहाँ पे आना चाहता है या आ रहा है तो ये वीडियो उन तक का शेयर कर दो और फॉलो करके सपोर्ट करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, मिलते हैं नई वीडियो पे।